हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद दलवी, आपका दोस्त। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राशिद डिजाइंस में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे ब्लाउज कटिंग का बिल्कुल सिंपल तरीका। दोस्तों, अगर आप हमें फॉलो करेंगे तो हमें विश्वास है आप बहुत ही आसान तरीके से एक बहुत अच्छी फिटिंग अपने ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जब तक हम वीडियो शुरू करते हैं तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा प्यार भरा अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें ताकि आप बहुत ही आसान तरीके से अपना ब्लाउज कटिंग कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ब्लाउज कटिंग के लिए ये हमारी पैमाइश है, मेजरमेंट है, जो इस प्रकार है। मैं आपको बता देता हूँ। लेंथ 14.5 इंच, चेस्ट 35 इंच, कमर 28 इंच, आस्तीन 5 इंच, मोहरी 13 इंच, मुड्ढा 7.5 इंच, तीरा 14.5 इंच, फ्रंट नेक होगा हमारा 6.5 इंच और बैक नेक होगा 8 इंचेस। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। लंबाई 14.5 इंच, चेस्ट 35 इंच, कमर 28 इंच, आस्तीन 5 इंच, मोहरी 13 इंच, मुड्ढा 7.5 इंच, तीरा 14.5 इंच, सामने का नेक 6.5 इंच और बैक का नेक होगा 8 इंच। तो दोस्तों, कटिंग शुरू करते हैं। ब्लाउज कटिंग के लिए हमने 90 सेंटीमीटर लाइनिंग यानी कि अस्तर लिया है और ये हमने डबल लेयर में फोल्ड किया हुआ है। आपने भी इसी प्रकार डबल लेयर में फोल्ड कर लेना है और इस पर प्रेस कर लेनी है। उसके बाद लेंगे हम ये स्केल और ये चाक। ओके, और यहाँ पर अपना स्केल रखेंगे यानी कि फीटा, और एक निशान यहाँ पर लगा देंगे और उसके बाद एक निशान यहाँ पर लगाएंगे। दोस्तों, ये निशान होगा हमारा तुरपाई के लिए जो दबाव होता है वो होता है। ओके, और ये 1.5 इंच के करीब होता है। उसके बाद हम इस प्रकार करेंगे और यहाँ पर सीधा स्केल कर लेंगे। इस प्रकार सीधा स्केल करने के बाद अब हम अपना इंच टेप रखेंगे और हमारी लेंथ है 14.5 इंच और इसमें 1/2 इंच हम जो ऊपर मुड्ढे में दबाव जाएगा यानी कि शोल्डर में दबाव जाएगा वो जॉइंट कर लेंगे और ये 15 इंच पर हम निशान लगाएंगे। उसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 6.5 इंच और उसके बाद हम प्लेट का निशान लगाएंगे यानी टट का निशान लगाएंगे 10 इंच। ओके, और अब हम इन सभी निशानों को सीधा स्केल कर लेंगे। और सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा होगा हमारा जैसे कि 6.5 इंच फ्रंट का नेक है और 8 इंचेस बैक का नेक है, तो तीरा लेंगे हम 6.25 इंच। ओके, 6.25 इंच। ओके, और यहां पर 1 इंच डाउन कर देंगे। ओके, 5.25 इंच पे निशान लेंगे और उसके बाद हम जो हमारी चेस्ट है 35 इंच उसमें हम 5 इंच का लूजिंग देंगे यानी कि 35 प्लस 5 14 इंच, इसका हम चौथाई कर लेंगे यानी कि 10 पे हम निशान लगाएंगे 10 पे, और यहाँ पर भी 10 पे निशान लगा देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर डट का निशान लगाएंगे यानी कि प्लेट का 4.25 इंच। इसके बाद हम दूसरी प्लेट का निशान लगाएंगे यहाँ पर इससे 1.5 इंच पीछे। ओके, और यहाँ पर हम 2 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे और उसके बाद हम 2.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारी प्लेटों का निशान है और अब हम इन्हें सीधा स्केल कर लेते हैं और हमने इसी प्रकार अपनी प्लेटों के निशान लगा देने हैं। सभी निशानों को हम सीधा स्केल कर लेंगे। यहां पर हम 1/4 इंच पर आर्म होल डाउन कर देंगे और यहां पर हम शेप का निशान देंगे। और उसके बाद अगर आप इसमें बुकरम का नेक बनाएंगे तो यहां से कटिंग करने की जरूरत नहीं है, वैसे ज्यादातर इसमें पाइप ही नहीं चलती है। तो यहां पर हम 3 इंचेस पर एक निशान लगाएंगे और यहां पर 3.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इन दोनों को सीधा स्केल मार्क कर देंगे। ओके, और उसके बाद 6.5 इंच हमारा जो नेक है 6.5 इंच पर ये निशान लगा हुआ है और 1/4 इंच ज्यादा इस पर निशान लेंगे और इसे गोल शेप में निशान लगा देंगे। उसके बाद हम एक बार फिर से आपको जो पैमाइश है, नाप है, मेजर है, आपको बता देते हैं। जो भी हमारी लेंथ है उसमें हम 1/2 इंच प्लस कर लेंगे यानी कि हमारी लेंथ 14.5 इंच है, इसमें 1/2 इंच प्लस करें तो 15 इंच पर हम निशान लगा देंगे। उसके बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे हम 6.5 इंच पर। उसके बाद जो हमारे प्लेटों का निशान होता है
10 इंचेस पर लगा देंगे। और जो हमारा तीरे का निशान है कुछ इस प्रकार है, ये होता है नेक के ऊपर, हमारा नेक फ्रंट नेक जो है 6.5 इंच और बैक नेक है 8 इंचेस, और इसका तीरा जो आएगा 14.5 इंच हमारा तीरा है, यानी 14.5 इंच तीरा है, तो 6.25 इंच हमारा तीरा आएगा। और इसमें 1 इंच इसमें हम डाउन कर देंगे और हमारा जो तीरा नीचे से आएगा 5.25 इंच। उसके बाद जो भी हमारे चेस्ट है इसमें 5 इंच का लूजिंग देंगे, 35 हमारी चेस्ट है उसे 5 इंच का लूजिंग देने के बाद 14 इंच होता है, 14 इंच का चौथाई होता है 10 इंच, और 10 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। ओके, यहाँ पर भी हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे, और ये जो वाली प्लेट है इसका निशान 1.5 इंच पीछे करके ये वाला निशान लगा देंगे, और ये वाली जो प्लेट है दूसरे वाली जो साइड की होती है, ओके साइड प्लेट है, इसे हम 2.25 इंच पीछे हटा लेंगे, और उसके बाद इस प्लेट से हम इस वाली प्लेट को 2.5 इंच ऊपर निशान लगा देंगे। और इसी प्रकार आपने अपनी प्लेटों के निशान लगा देने हैं। अब हम करेंगे इसकी कटिंग, और कटिंग करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से इसको एक सार करेंगे, और ये जो हमने निशान लगाया था दोस्तों, ये हमने कपड़ा एक सार, यानी कि जो हमारी कटिंग एक सार आए, फिटिंग एक सार आए, और एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे, ये एक्स्ट्रा निशान होता है जिससे कि हमारा कपड़ा एक सार हो जाए। ओके, और अब हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। फ्रंट वाला हिस्सा कटिंग करने के बाद अब हम इसको एक तरफ करेंगे, और अपना ये वाला जो हिस्सा है इसको इस प्रकार शेप चेंज कर लेंगे, और उसके बाद हम अपना फ्रंट वाला हिस्सा अपने बैक वाले हिस्से पर रखेंगे इस प्रकार, और यहाँ से हम 1/4 इंच यानी कि 1 पैर करीब फ्रंट वाला हिस्सा बैक के हिस्से से फालतू निकाल देंगे, क्योंकि ये हमारा दबाव का है। और 5 इंच का लूजिंग हमने किस लिए दिया है, लूजिंग तो इसमें 4 इंच का ही है, हमने 5 इंच का लूजिंग जो दिया है, जो आपका एक पैर का यानी 1/4 इंच का जो आपका दबाव है, दबाव में आएगा तो 1 इंच बनने के बाद आपका खत्म हो जाएगा, लूजिंग आपका 4 इंच का ही बाकी रहेगा। ओके, इस प्रकार 1/4 इंच यहाँ से फालतू निकाल देंगे, और यहाँ से मिला देंगे, और इसके बराबर मिला देंगे। उसके बाद हम यहां पर एक निशान लगाएंगे, ओके, और अपने ब्लाउज को इस प्रकार निकाल देंगे, ऊपर उठा देंगे, और अब हम इसको सीधा स्केल करेंगे। सीधा स्केल करने के बाद यहां पर हम 3 इंच के करीब निशान लेंगे, और अब इसको हम सीधा स्केल निशान कर देंगे। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर बुकरम की शेप बनाना चाहते हैं तो वर्बो बना सकते हैं, नहीं तो हम इसमें गोल शेप देंगे, और गोल शेप के लिए इस प्रकार निशान लगाएंगे, और इस प्रकार 1/4 इंच ज्यादा लेंगे जैसे फ्रंट के वाले हिस्से में लिया है, और इसको इस प्रकार कटिंग करके ये वाला हिस्सा निकाल देंगे। अब हम फिर से अपने ब्लाउज को इस प्रकार फैला देंगे, और फैलाने के बाद यहाँ पर इस प्रकार मिलाते हुए कटिंग करेंगे, और अब हम अपना बैक का जो आर्म होल है वो कटिंग करेंगे, और उसे कटिंग करने के लिए इस प्रकार ओके, अब हमने करना क्या है, यहाँ से 1/2 इंच यानी कि ये जो हमारा टुकड़ा है बीच का हिस्सा है, इससे हम 1/2 इंच पीछे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो बैक वाला हिस्सा होता है फ्रंट वाले हिस्से से 1/2 इंच छोटा कटिंग होगा, यहाँ पर भी हम 1/2 इंच छोटे पे निशान लगा लेंगे। और अब इसको हम सीधा स्केल करेंगे, सीधा स्केल करने के बाद यहाँ पर हम इसको कटिंग करेंगे, और इस प्रकार कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखा दूं, यह हिस्सा हमारा बैक वाला हिस्सा फ्रंट वाले हिस्से से 1/2 इंच छोटा है। ओके, इसी प्रकार आपने कटिंग करना है।
अब हम कटिंग करेंगे अपना स्लीव आस्तीन, और आस्तीन कटिंग करने के लिए इस प्रकार हम यहां पर जैसे कि हमारा मुड्ढा है 7.5 इंच, ओके 7.5 इंच यहां पर है, तो हमें इसमें जोड़ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। अगर जोड़ लगाना पड़ता है तो आप इसको इस प्रकार कटिंग कर सकते हैं, और यहां पर जितना भी जोड़ा है आप जोड़ लगा सकते हैं, ओके फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। तो हम इस प्रकार यहां पर जो तुरपाई का दबाव होता है वो रख देंगे इस प्रकार। आस्तीन की लेंथ है हमारी स्लीव की लेंथ 5 इंचेस, और इसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे यानी कि 5 1/2 पर निशान लगा लेंगे, यहां पर मुड्ढे का निशान लगाएंगे हम 3 इंचेस पे, और इसको हम इस प्रकार सीधा स्केल कर देंगे, और उसके बाद हमारा जो मुड्ढा है उसका निशान है 7 1/2 इंच, और मोरी है हमारी 13 इंच यानी कि 13 इंच का हाफ 6 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे इस प्रकार, और इसको सीधा स्केल कर देंगे, और उसके बाद हम यहां पर अपने आर्म होल को डाउन करेंगे, और अब इसे करेंगे कटिंग। और कटिंग करने के लिए इस प्रकार आपने गोलाई में कटिंग करना है, ओके। और एक बात का ख्याल रखें, आपकी कटिंग करते हुए शेप एक सार होनी चाहिए, और यहां पर इस प्रकार से कटिंग करके सीधा कपड़ा निकाल देंगे, और यहां पर बी सेंटर में कट करेंगे, और यहां पर मुड्ढे वाले हिस्से पर कट करेंगे, और यहां पर लेंथ वाले हिस्से पर एक कट लगा देंगे। अब हम अपने आस्तीन को इस प्रकार ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद यहां पर इस प्रकार शेप देंगे, और हमारे शेप जो है बैक और फ्रंट 1/2 इंच का गैप होना चाहिए, और ये हमारी मोहरी है। तो दोस्तों हमारा ब्लाउज कटिंग हो चुका है, अब हम सभी पार्ट्स आपको रखकर दिखाते हैं और बताते हैं कौन सा हिस्सा कहां पर यूज होगा। तो दोस्तों ब्लाउज कटिंग होने के बाद हमारा ब्लाउज कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, ये हमारा वेस्टेज कपड़ा है जो कि हमारे हुकाई पट्टी और पाइपिंग वगैरह में यूज होगा, ओके। और ये हमारी आस्तीन है, ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है, और ये प्लेटों का निशान है, और ये हमारा बैक वाला हिस्सा है जो कि फ्रंट से 1/2 इंच यानी कि 1/2 इंच छोटा होगा। तो दोस्तों अगर आप बहुत ही आसान तरीके से और भी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।